नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गुजरात की खबर के साथ। आपको बता दें कि नवंबर में हो सकते हैं गुजरात चुनाव का ऐलान। अब बड़ी जानकारी सामने आ रही है गुजरात को लेकर, जहां पर गुजरात में ही नवंबर में हो सकते हैं गुजरात चुनाव का ऐलान किया जा सकता है और चरणों में ही हो सकता है गुजरात चुनाव। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहला चरण 1-2 और दिसंबर, दूसरा चरण 4-5 दिसंबर को संभव माना जा रहा है। हिमाचल के साथ ही 8 दिसंबर को ही आ सकते हैं नतीजे। बड़ी जानकारी बता दें आपको गुजरात से, चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये खबर जो है जारी की गई है। बता दें कि दिसंबर के पहले हफ्ते में ही वोटिंग संभव है, ये सूत्र बता रहे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब हर राजनीतिक दल का इंतजार कर रहा है। चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो सकता है और तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जानकारी के मुताबिक गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें 1-2 दिसंबर पहला चरण होगा और 4-5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान कराया जाए। वहीं पर आपको बता दें कि नतीजे जो है 8 दिसंबर को आएंगे। और इसके साथ ही बता दें कि हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान न करने पर ही विपक्ष ने केंद्र सरकार और आयोग पर भी सवाल खड़े कर दिए थे। और कांग्रेस ने कहा था कि ये प्रधानमंत्री को कुछ बड़े वादे और उद्घाटन करने के लिए समय देने के लिए किया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं गुजरात से, जहां पर चुनाव आयोग के सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आई है कि दिसंबर के पहले हफ्ते में वोटिंग संभव हो सकती है। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का अब हर राजनीतिक दल जो इंतजार कर रहा था वो इंतजार खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि चुनाव आयोग के सूत्रों की माने तो 1 नवंबर को इलेक्शन की तारीखों का जो ऐलान है वो हो सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात में आचार संहिता लागू हो जाएगी। और जानकारी तो ये भी है कि गुजरात चुनाव 2 चरणों में होंगे, जिसमें से पहला चरण जो माना जा रहा है 1-2 दिसंबर को पहला चरण होगा और 4-5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान कराया जाएगा। वहीं नतीजे की अगर बात कर ले तो 8 दिसंबर को इसके नतीजे आएंगे, ऐसा सूत्रों का कहना है। और पिछले ही दिनों हिमाचल प्रदेश के साथ ही गुजरात चुनाव की तारीखों का ऐलान न करने पर विपक्ष ने जो है केंद्र सरकार और आयोग पर सवाल भी खड़े किए थे, जिसके बाद अब ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 नवंबर को गुजरात चुनाव को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। कांग्रेस ने ये भी कहा था उस समय कि ये प्रधानमंत्री को कुछ बड़े वादे और उद्घाटन करने के लिए समय देने के लिए किया गया। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से खबर है, जहां पर छठ एलजी की केजरीवाल को चिट्ठी है। आपको बता दें कि छठ पर ही एलजी की केजरीवाल को चिट्ठी है और यमुना घाट पर ही व्यवस्था रखे दुरुस्त, ऐसा एलजी कह रहे हैं। और चिट्ठी को लेकर ही आपका एलजी पर तंज भी कसा गया है। बड़ी जानकारी आपको दे दें दिल्ली से, एलजी को छपास की बीमारी, सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एलजी का एक और लव लेटर आया है, सौरभ भारद्वाज ये जानकारी दे रहे हैं। तो आपको बता दें कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखा है और इसमें एलजी ने कहा है कि छठ पूजा लाखों लोगों की अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़े सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसमें बड़ी संख्या में भक्त दिल्ली के तालाबों, नदियों और जलाशयों और झीलों जैसे जलाशयों में उगते और डूबते सूरज की पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। एलजी ने यहां तक कहा है कि यमुना में झाग चिंताजनक है और इसे हटाने की जरूरत है। और वहीं आपने ही एलजी की चिट्ठी पर पलटवार भी कर दिया है। आप प्रवक्ता है सौरभ भारद्वाज, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि छठ पूजा को अब 2 दिन हो गए हैं और छठ की तैयारी पहले से ही चल रही है और अब एलजी सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और पत्र लिखा है। एलजी को छपास नाम की बीमारी है, ऐसा वो कह रहे हैं। और छपास एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति खुद के प्रचार की कोशिश में रहता है, वहीं खबरों में जगह न मिलने से खाना नहीं पचता है। वीके सक्सेना एलजी के कार्यालय को ही नीचा दिखा रहे हैं और सीएम को ये पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं है, ऐसा बड़ी जानकारी आपको दे दें। जहां पर दिल्ली से खबर है, छठ पूजा को लेकर अब राजनीति भी तेज होती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है, वहीं विपक्ष भी अब जो है सवाले खड़े करने लग गया है। दिल्ली के एलजी ने वीके सक्सेना है, उन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को साफ तौर पर पत्र जो है वो लिख दिया है।
इसमें एलजी ने कहा है कि छठ पूजा लाखों लोगों की अत्याध्यात्मिक और सांस्कृतिक और धार्मिक आस्था से जुड़े सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और इसमें बड़ी संख्या में भक्त दिल्ली के तालाबों, नदियों, जलाशयों और झीलों जैसे जलाशयों में उगते और डूबते हुए सूरज को पूजा करने के लिए इकट्ठा होते हैं। और एलजी ने यहाँ तक कहा है कि यमुना में झाग जो है वो चिंताजनक है और इसे हटाने की जरूरत है। वहीं आपने एलजी की चिट्ठी पर पलटवार भी कर दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि आप प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि छठ पूजा को अब 2 दिन हो गए हैं और छठ की तैयारी पहले से ही चल रही है और अब एलजी सक्सेना ने सीएम अरविंद केजरीवाल को एक और पत्र लिखा है। पहले उन्होंने एक पत्र लिखा, उसके बाद उन्होंने दूसरा पत्र लिखा है। एलजी को छपास नाम की बीमारी है ऐसा वो कह रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि छपास एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक व्यक्ति खुद के प्रचार की कोशिश में रहता है, ऐसा उनका कहना है। और खबरों में अगर बात की जाए तो जगह न मिलने से खाना नहीं पचता है। वीके सक्सेना एलजी के कार्यालय को नीचा दिखा रहे हैं और सीएम को ये पत्र लिखने का कोई मतलब नहीं। चलिए एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा दें। बता दें कि इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लगी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लग गई है। आपको बता दें कि DGCA को घटना की जांच के आदेश दिए गए हैं। तकनीकी खराबी के कारण विमान से चिंगारी निकली है, DGCA कह रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहाँ पर दिल्ली से बेंगलुरु जा रही इंडिगो फ्लाइट में आग लगी है और पायलट के सूझबूझ से ही बची है 184 लोगों की जान जो है वो बच गई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लगने की खबर सामने आई है और घटना के लिए ही इंडिगो ने माफ़ी भी मांग ली है। बड़ी जानकारी आप दे दें, जहाँ पर ये घटना सामने आई है और 184 लोगों की जान भी बच गई है, इंडिगो ने माफ़ी भी मांग ली है। आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहाँ पर इंजन में आग लगने की खबर सामने आई है, इंडिगो जो है वो उसमें आग लगने की खबर सामने आई है। तकनीकी खराबी के कारण विमान से चिंगारी निकली है ऐसा भी कहना है। दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली इंडिगो फ्लाइट में ही हादसा हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, इंडिगो फ्लाइट के इंजन में आग लगने से विमान में बैठे यात्रियों में हड़कंप मच गया और जब खिड़की से इंजन में लगी आग को यात्रियों ने देखा तो सभी में घबराहट फैल गई और विमान में उड़ान भरने के दौरान ही इंजन में आग लगी थी। और हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि आग लगने के बाद विमान को दिल्ली एयरपोर्ट पर ही रोक लिया गया और इस तरह एक बड़ा हादसा टल गया। वहीं जानकारी के अनुसार घटना के संबंध में इंडिगो एयरलाइन की ओर से बयान सामने आया है। इसमें बताया गया है कि दिल्ली में ही बेंगलुरु जा रही फ्लाइट को उड़ान भरने के दौरान तकनीकी परेशानियों का सामना करना पड़ा और इसके बाद फौरन पायलट ने टेक ऑफ को स्थगित कर दिया और एयरलाइन की ओर से बताया गया है कि सभी यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि एयरलाइन ने बताया है कि फ्लाइट ऑपरेशन के लिए एक वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की जा रही है। यात्रियों को हुई असुविधा के लिए हमें खेद है। उन्होंने साफ तौर पर माफ़ी भी मांग ली है कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उन्होंने खेद जता दिया है। एयरलाइंस ने बताया है कि फ्लाइट ऑपरेटर के लिए ही एक वैकल्पिक विमान की जो है वो व्यवस्था की जा रही है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे, यहाँ पर DGCA को घटना की जांच के आदेश दिए गए और तकनीकी खराबी के कारण विमान से चिंगारी निकली है, DGCA कह रहे हैं। विमान जो है उसमें आग लगने की खबर आई है, इंजन में आग लगने की खबर है। घटना के लिए इंडिगो ने माफ़ी भी मांगी। कोरोना को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है। आपको बता दें कि कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है कोरोना को लेकर, अब कोरोना का कहर दोबारा देखने को मिल सकता है। कोरोना के 2 नए वेरिएंट ने चिंता बढ़ा दी है। यूके के स्वास्थ्य विभाग ने वेरिएंट को लेकर चेतावनी भी जारी कर दी है। BQ1 और 18XBB है 2 नए वेरिएंट। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, वेरिएंट की वजह से यूके में आ रही है संक्रमित लोगों में तेजी, संक्रमित लोगों में अब तेजी भी देखने को मिल रही है। आपको बता दें वेरिएंट की वजह से यह तेजी देखने को मिल रही है यूके में, जहां पर लोगों में संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। BQ1 और
18XBB के 700 से ज़्यादा केस सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि एक्सपर्ट के दोनों ही वेरिएंट प्रतिरोधी क्षमता वाले बताए जा रहे हैं। इन वेरिएंट पर वैक्सीन का असर ना करना भी संभव बताया जा रहा है। यूनाइटेड किंगडम के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के दो नए जो वेरिएंट है BQ1 और XBB को लेकर चेतावनी जारी की है। इन दोनों ही वेरिएंट की वजह से यूके में कोरोना से संक्रमित लोगों में तेजी आ रही है। यूके में अभी 700 से ज़्यादा केस जो है BQ1 के और 18XBB के केस जो है वो सामने आ रहे हैं। एक्सपर्ट ने बताया है कि दोनों ही वेरिएंट बहुत ही ज़्यादा प्रतिरोधी क्षमता वाले हैं। हो सकता है कि इन वेरिएंट पर वर्तमान में मौजूद वैक्सीन असर ना करे और ये दोनों ही वेरिएंट सबसे तेजी से फैलने वाले ओमिक्रॉन वेरिएंट के ही सब वेरिएंट हैं। एक्सपर्ट का कहना है कि इन सब वेरिएंट का झुंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में नवंबर तक कोरोना की एक और लहर ला सकता है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कोरोना को लेकर, जहां पर यूके की स्वास्थ्य और सुरक्षा एजेंसी नए सब वेरिएंट्स की जांच की जा रही है और इन संक्रमण पर भी नजर रखी जा रही है। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें, जयशंकर कह रहे हैं आतंकवाद का मुकाबला हमारी प्राथमिकता है। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर साफ तौर पर बयान सामने आया है आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक में विदेश मंत्री का बयान है, आतंकवाद का मुकाबला हमारी पहली प्राथमिकता है। जयशंकर बयान दे रहे हैं और एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद बढ़ रहा है। जयशंकर का साफ तौर पर कहना है कि आतंकवाद के खिलाफ हमें ध्यान केंद्रित करना होगा। तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, जहां पर जयशंकर का बयान सामने आया है आतंकवाद को लेकर और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के ही आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक के दूसरे दिन ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य जो हैं दिल्ली में एकत्रित हुए और इस दौरान ही आतंकवाद से बचने वाले लोगों, पीड़ितों और उनके परिवार वालों को ही याद में एक मिनट का मौन भी रखा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर दिल्ली में आतंकवाद निरोधी समिति की विदेश विशेष जो बैठक है उसमें विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि आतंकवाद मानवता के ऊपर सबसे बड़े खतरों में से एक है। UNSC ने ही पिछले दो दशकों में ही आतंकवाद जैसे खतरे से निपटने के लिए मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी प्रतिबंध व्यवस्था के आसपास ही निर्मित एक महत्वपूर्ण वास्तुकला विकसित की है। और विदेश मंत्री ने कहा है कि CTC की इस विशेष बैठक के लिए ही आज दिल्ली में आप सबकी उपस्थिति में ये हुई है, जो कि UNSC के सदस्य देशों के ही आतंकवाद के महत्वपूर्ण और उभरते हुए पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करने को दर्शाती है और ये उन देशों को ध्यान केंद्रित करने में बहुत प्रभावी रहा है जिन्होंने आतंकवाद को राज्य द्वारा वित्त पोषित उद्यम में बदला है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आतंकवाद को लेकर एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है। आतंकवाद निरोधी समिति की बैठक में उन्होंने बयान दिया है, आतंकवाद का मुकाबला हमारी पहली प्राथमिकता विदेश मंत्री बता रहे हैं, एशिया और अफ्रीका में आतंकवाद बढ़ रहा है एस जयशंकर बोल रहे हैं। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां पर आतंकवाद का मुकाबला जो है हमारी पहली प्राथमिकता बता रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।